हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का न्यू लॉन्च स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का फुल कैमरा रिव्यू और आपको बताने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और फ्रंट में आपको जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है उसकी क्वालिटी आपको कैसी क्या देखने को मिलने वाली है, सारी डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑप्शनल चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका कैमरा रिव्यू। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले इसका कैमरा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा ओपन करता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसके जो मोड्स हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ब्यूटी मिल जाता है, यहाँ पर आपको AI मोड मिल जाता है, मतलब AI कैमरा मिल जाता है। इसका जो कैमरा है परमानेंट आपका AI है, मतलब यहाँ पर जो है आपका AI का जो है ऑफ और ऑन करने का आपको सिस्टम नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी यहाँ पर आपको वीडियो मोड मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो का मोड मिल जाता है। यहाँ पर और बात करें ब्यूटी के बाद आपको पोर्ट्रेट भी मिल जाता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मिल जाता है और सुपर नाइट आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। बाकी बात करें इसकी जूमिंग की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो जूमिंग है इसमें आपको 4x की जूमिंग मिल जाती है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको 4x की जूमिंग मिलती है, जूमिंग आपको 10x की नहीं 4x की ही मिलती है। अब यहाँ पर और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ऊपर के मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में आपको वही चीज मिल जाती है जैसे कि कस्टोमाइज वाटर मार्क मिल जाता है। इसका वाटर मार्क मैं इनेबल कर देता हूँ, ब्रांड वाटर मार्क लगा देता हूँ ताकि जो मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ वो सारे फोटोज आपको जो है इसकी उसमें इसकी जो गूगल ड्राइव लिंक है उसमें इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD का जो है नेम आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बैक जाते हैं, यहाँ पर टाइमर मिल जाता है, यहाँ पर शूटिंग मेथड्स मिल जाता है, आपको शूटिंग मेथड्स कौन कौन सी रखनी है, टच शूटिंग मिल जाती है, फिंगरप्रिंट शूटिंग मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको रीअरेंज मोड मिल जाता है, सेट वॉल्यूम बटन मिल जाता है और रिस्टोर डिफॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है और हॉरिजॉन्टल लेवल भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। चलिए बैक चलते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन हमारा इनेबल हो चुका है तो इसे मैं कर देता हूँ ऑफ। इसे ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैश आप इसमें जो है यहाँ पर जो है आप फ्लैश इसमें ऑन कर सकते हैं, इसमें आप आउटो कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आप फिल लाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम फ्लैश को भी यहाँ पर ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद इसमें आपको HDR मोड मिल जाता है, HDR को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाकी रेशियोस मिल जाते हैं, रेशियोस आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फुल फ्रेम मिल जाता है, 4:3 मिल जाता है और दोस्तों 1:1 मिल जाता है। अब यहाँ पर फिल्टर्स की बात करें तो फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लगभग आपको यहाँ पर जो मैं बताऊँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके के फिल्टर आपको यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। बाकी अब यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, फिल्टर में मेरे को क्वालिटी सही नहीं लगती। अब दोस्तों यहाँ पर और भी मैं फोटोज आपको क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो फीचर्स दिए हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट वीडियो बता दिया था, उसके अलावा कुछ मैं आपको मोड्स बताऊँ तो यहाँ पर आपको पेनोरामा मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, AR शॉट मिल जाता है, टाइमलेस मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है। AR शॉट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आइकन आपके सामने आएंगे जो नीचे दिए गए हैं। इन सारे आइकन में मैंने वीडियोस वो फोटोज जो है क्लिक करके रखे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये फोटोज़ मैंने क्लिक करके रखे हुए हैं। ये भी मैं गूगल ड्राइव लिंक में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, सारे फोटोज़ आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फोटोज़ क्लिक करके बता देता हूँ और ये सारे फोटोज़ की जो क्वालिटी वो भी बताऊँगा कैसी क्या आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर देता हूँ, वीडियो शूट कर लेता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ फोटोस और वीडियो शूट करके देखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो फोटोस और वीडियोस है वो कैसी क्या आने वाली है। इसमें आपको 4x की जो जूमिंग मिलती है, मैंने उसकी वीडियो शूट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी क्या आई है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वीडियो का रिव्यू दूँ तो इसकी जो वीडियो है एक नेचर, मतलब यहाँ पर जो नेचुरली कलर हैं वो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा कलर्स यहाँ पर जो एनहेंस नहीं किए गए हैं, नॉर्मली कलर्स आपके यहाँ पर आए हैं। चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं वीडियो के बाद। यहाँ पर जो है वीडियो यहाँ पर देखिए, मैं और प्ले करके बता रही हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो यहाँ पर बनाई है मैंने। अब यहाँ पर जो ये वीडियो है मैं गूगल ड्राइव लिंक में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये वीडियो शूट की है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ वो जो कलर्स हैं सामने, यहाँ पर जो कलर हैं थोड़े एनहेंस किए गए हैं, बाकी इस साइड जो हमारे कलर्स थे वो एनहेंस नहीं किए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं वो एनहेंस नहीं किए गए इस वीडियो में, ये कलर्स जो है जो पत्तियों के कलर से, पेड़ पौधों के कलर से वो एनहेंस कर दिए गए हैं, और इधर जो है एनहेंस नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर और चले तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फेस की फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाई है, तो ये भी एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पर जो है वीडियो सही आई है। और मैं आपको एक बड़ा रीज़न बताऊँ दोस्तों, इसकी जो डिस्प्ले है वो HD डिस्प्ले है। अगर आप ये वीडियो किसी और स्मार्टफोन में शेयर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ इसकी जो क्वालिटी है उतनी ही गिरने वाली है, क्योंकि HD वीडियो है, HD रिकॉर्डिंग है, इस HD डिस्प्ले, इस कारण से आपको इस स्मार्टफोन में HD वीडियो दिख रही है और HD फोटोज़ आपको दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फोटोज़ मैंने लिए, तो ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल कैमरे के हिसाब से यहाँ पर जो है ठीक ठाक फ़ोटो आया है। बाकी ये भी देख सकते हैं, ये फोटोज़ देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्मली फ़ोटोज़ से ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते, बट हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ज़्यादा बुरे भी फ़ोटोज़ नहीं है, क्वालिटी ये कि नॉर्मल है, ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है बट ठीक है। और अगर आप ये कैमरे के लिए परचेस करना चाहते हैं स्मार्टफोन के, आप सोचते हो कि कैमरा बड़ा देख के इसको परचेस कर लिया जाए, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मतलब ये जो स्मार्टफोन है कैमरे के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल यूज के लिए स्मार्टफोन है, कैमरे के लिए बिल्कुल नहीं है, आप इसे कैमरे के लिए परचेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी? दोस्तों मैंने जो भी फोटोज़ क्लिक किए हैं उनकी गूगल ड्राइव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, आप वहाँ से जाकर ओरिजिनल क्वालिटी में फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। बाकी मैं अपना रिव्यू दूँ, अपना ओपिनियन दूँ, तो इसकी जो 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल की जो कैमरा क्वालिटी है, ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, ज़्यादा खास क्वालिटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कैमरे के लिए इस स्मार्टफोन को लूँ, तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को जो है कैमरे के लिए परचेस नहीं करिए। बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूज के लिए करना चाहते हैं तो नॉर्मल यूज के लिए इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।